देखिए दोस्तों, यहाँ पे रसमलाई हमारी ठंडी हो चुकी है, इसे मैंने सर्व कर लिया है। ये देखिए देखिए दोस्तों, कितनी सॉफ्ट हमारी रसमलाई बनी है। देखिए, हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने बनाया है रसमलाई, तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे रस मलाई के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर गाय का दूध लिया है, और दूध फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे विनेगर लिया है। आप विनेगर की जगह यहाँ पे साइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं और नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले दूध को उबाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने गैस पे दूध को चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम को आप मीडियम पे रखिए और दूध को आपको कंटिन्यू चलाना है। दूध में मलाई नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है? इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। एक उबाल आ जाए उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। दूध फाड़ने के लिए मैंने ग्लास में 1 गिलास पानी लिया है। इसे मैं 2 ढक्कन विनेगर डालूंगी, 1 ढक्कन, ये 2 ढक्कन। इसे अच्छे से मिला लेंगे, इसे अब साइड में रख देंगे, ठीक है? देखिए दोस्तों, हमारे दूध में यहाँ पे उबाल आ रहा है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी, ठीक है? अब इसे मैं 5 मिनट तक ठंडा कर लूंगी, उसके बाद मैं दूध को फाड़ूंगी। इसे आप चलाते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है, दूध भी थोड़ा हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दूध को फाड़ना शुरू करूँगी। तो मैंने यहाँ पे विनेगर वाला पानी लिया है, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। आपको एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखिए, दूध हमारा फटना शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों, दूध यहाँ पे हमारा फट गया है। ये देखिए, विनेगर वाला पानी भी हमारा ख़त्म हो चुका है। देखिए, दोस्तों मैं छेने को 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, इसके बाद मैं इसे छानूंगी, ठीक है? छेने को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लिया है, नीचे एक स्ट्रेनर रखी हूँ मैं, ठीक है? अब चलिए छेने को निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं छेने को छान लेती हूँ। अभी मैं छेने को अच्छे से धो लूंगी। इसको हल्के हाथ से दबा के इसका पानी निकालना है, इसको बहुत जोर जोर से नहीं दबाना है, ठीक है? इसको ऐसे कपड़े को घुमाते हुए हम इसका पानी निकाल लेंगे, ठीक है? जब तक इसका पानी धार में गिर रहा है, तब तक इसका पानी निकाल लेंगे, ठीक है? देखिए, इसको बहुत जोर जोर से नहीं दबाना है, इसका बहुत जोर जोर से दबा दबा के आप पानी निकालेंगे ना, तो क्या होगा, हमारा छेना पूरा ड्राई हो जाएगा, फिर हमारा रसमलाई अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है? इसको एकदम हल्के हाथ से इसका दबा के पानी निकालना है, ठीक है? थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए इसमें। इसे मैं ऐसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी।
तब तक चलिए अपने अपनी चाशनी को हम देख लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चीनी लिया है, 1 कटोरी और ये 2 कटोरी, ठीक है। यहीं पे मैं 3 कटोरी पानी डालूँगी, 3 कटोरी पानी डालूँगी, 1 कटोरी, 2 कटोरी, ये 3 कटोरी। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। चलिए दोस्तों चाशनी को हम पकने देते हैं, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे चाशनी में हमारी अच्छी उबाल आ चुकी है। अब चलिए हम छेने की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं छेने को निकाल लेती हूँ। अब इसे अच्छे से मलना है। देखिए यहाँ इससे मलेंगे इसे, देखिए देखिए हमारा छेना कितना सॉफ्ट बना है। देखिए छेने में थोड़ा भी दाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे हल्के हाथ से इसके इसको मलना है, इसकी मालिश करना है, ठीक है। इसको आगे पीछे करके तो हम अच्छे से मथेंगे। इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी, मैदा सूजी कुछ नहीं, कॉर्नफ्लोर कुछ नहीं डालूंगी। देखिए दोस्तों मैंने छेना को अच्छे से मथ लिया है। देखिए इस पर थोड़ा भी कहीं दाना नहीं है। देखिए देखिए कितना स्मूथ हमारा छेना है। देखिए चलिए इसकी लोई काट लेते हैं। देखिए दोस्तों इसकी मैं लोई काटूंगी, आपको जितनी बड़ी या छोटी चाहिए उसके हिसाब से आप इसकी लोई काटिए। रसमलाई ऐसे छोटा ही बनता है। एक लोई को उठाएंगे, आपको जैसा शेप चाहिए वैसा आप बनाइए। देखिए मैं ऐसा बना रही हूँ। इसी तरह मैं बाकी के रसमलाई को मैं बना लूँगी। दोस्तों मैंने यहाँ पे छेने के रोल्स को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे मैं उठा के चाशनी में डाल दूंगी। यहाँ पे चाशनी भी हमारी खोल रही है। साइड में मैंने यहाँ पे पानी चढ़ाया है कि जब हमारी चाशनी यहाँ पे गाढ़ी होगी तो मैं इसमें से उठा के मैं चाशनी में डालूंगी, ठीक है। चलिए अब छेने के रोल्स को मैं डालूंगी। गैस की फ्लेम को आप एकदम हाई पे रखिए, ठीक है। गैस की फ्लेम को आपको लो नहीं करना है ना मीडियम करना है, एकदम हाई पे रखेंगे इसको। अब इसे मैं कवर करके 5 मिनट तक पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। चलिए अपनी छेने के रोल्स को मैं चेक कर लेती हूँ। ये दोस्तों इसे मैं फिर से 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। चलिए मैं फिर से अपने छेने रोल्स को मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों फूल कर कितना डबल हो चुका है। देखिए यहाँ पे फिर से हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो रही है। मैं यहाँ पे फिर से पानी डालूंगी, गर्म पानी उठा के मैं धीरे से पानी को डालूंगी। दोस्तों इसे मैं फिर से 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे रसमलाई की रोल्स यहाँ पे बनकर हो गए हैं तैयार। देखिए यहाँ पे पूरे रोल्स, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे रसमलाई के रोल्स देखिए चाशनी में डूबने लगे हैं। देखिए इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक चुका है, ठीक है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। मैं इसी में इसे अच्छे से ठंडा होने दूँगी, ठीक है। इसे मैं 2 घंटे के लिए इसी में छोड़ दूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे 2 घंटे बाद। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक चलिए इसके लिए मैं दूध तैयार कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने हाफ लीटर दूध लिया है। अब यहीं पे मैं कुछ धागे केसर के डालूँगी। गैस की फ्लेम को आप मीडियम पे रखिए। अब यहीं पे मैं दो इलायची को कूट के मैं दूध में डाल दूँगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूध हमारा पक रहा है। अब यहीं पे मैं कटे हुए नट्स डालूँगी, साथ ही में मैं 2 टेबल स्पून जितना मैं चीनी डालूँगी। आपको जितना मीठा चाहिए उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। से मिला लेते हैं। यही पे रसमलाई के दूध में हमारा अच्छा कलर आए, इसके लिए मैं यहाँ पे फूड कलर डालूँगी। ये येलो फूड कलर है, इसे मैं 1 से 2 ड्रॉप मैं डाल दूँगी। बस सिर्फ मिला लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूध हमारा अच्छा पक चुका है, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अब यहीं पे मैं गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। यहाँ पे हमारा छेना रोल्स भी ठंडा हो चुका है, इसे मैं निकालूँगी। इसे हल्का सा दबा के इसका जितना चाशनी इसे निकाल के मैं गर्म दूध में डाल दूँगी, ठीक है। इसी तरह मैं सभी छेने रोल्स को उठा के इसका चाशनी निकाल के मैं गर्म दूध में डालती जाऊंगी। इसे मैंने गर्म दूध में डाल दिया है। अब इसे हल्के हाथ से इसे मिला लेना है। अब इसे मैं 3 से 4 घंटे के लिए इसे मैं छोड़ दूंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रसमलाई हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब यहीं पे मैं रोज एसेंस डालूँगी फ्लेवर के लिए। यहाँ पे मैं 2 से 3 ड्रॉप जितना रोज एसेंस डालूँगी, इसे मिला लेते हैं। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ठीक है। इसके बाद इसे मैं सर्व करूँगी। दोस्तों, आपको रसमलाई की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।